इंडिया टुडे द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में सभी महानुभाव, मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो 2000 में पैदा हुआ। तीन राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, और इन 19 वर्षों में अगर हम इन तीनों राज्यों की तुलना करें तो उत्तराखंड वो राज्य है जिसे न केवल प्रकृति ने खूबसूरत बनाया बल्कि वहाँ का जो मानव संसाधन है, जो देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है और वीर भूमि के रूप में भी अपनी पहचान रखता है, वहाँ का परिश्रमी जो मानव संसाधन है, जो अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी इंटीग्रिटी के लिए एक विशेष पहचान रखता है, वो राज्य आज संभावनाओं का राज्य है। तीनों राज्यों में अगर हम तुलना करें तो उत्तराखंड ने सबसे तेजी से अपना आर्थिक विकास किया है। राज्य की पर कैपिटा इनकम हो आज 1,98,000 से अधिक, ये राज्य की पर कैपिटा इनकम है। राज्य में तमाम उद्योग स्थापित हुए हैं और जिसमें ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से वहाँ पर विकसित हुई है। इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री है, देश की बड़ी फार्मा इंडस्ट्री में उत्तराखंड का नाम आता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ऑल द रोड, चारों धामों के लिए रेल लाइन का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो और आज उसमें चौथा आयाम जुड़ा है रोपवे कनेक्टिविटी का। और जिस तरह से राज्य में पर्यटक बढ़ रहे हैं, हमें कह सकते हैं कि उत्तराखंड बहुत तेजी से पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और देसी विदेशी हर तरह के पर्यटक आज उत्तराखंड में आते हैं, आध्यात्मिक सुख के लिए भी आते हैं। योग की राजधानी ऋषिकेश, योग के लिए भी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं और आज वेलनेस के क्षेत्र में भी उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। अभी हमारी अप्रैल में वेलनेस समिट भी एक प्रस्तावित है, मैं उसके लिए आप सबको आमंत्रित भी करना चाहूँगा। वहीं अगर हम देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में 25,000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता ये उत्तराखंड की नदियों में है। उत्तराखंड जहाँ ऊंचे हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में है, जहाँ 12 महीने बर्फ से ढका रहता है, वहीं देश की अगर क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हम उत्तराखंड के बारे में विचार करें तो 16 तरह की क्लाइमेटिक जोन ये भारत में हैं, जिनमें से रेगिस्तान और समुद्री जलवायु को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम तरह की जलवायु वहाँ पर 12 महीने उपलब्ध है। जब पूरा मैदानी भाग सर्दियों के दिनों में कोहरे से ढका रहता है, उत्तराखंड मुस्कराता रहता है। उत्तराखंड खूब, मतलब आप सूरज स्नान के लिए, सनबाथ के लिए वहाँ पर आ सकते हैं और वहाँ की प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इतना खूबसूरत प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश है। राज्य में
अगर हम नेशनल पार्क देखें, सेंचुरीज देखें, तो 13 पार्क और सेंचुरीज ये उत्तराखंड में हैं। टाइगर्स के लिए आज देश में टाइगर्स डेंसिटी के हिसाब से उत्तराखंड नंबर एक पर है। हाथी, तमाम तरह की जैव विविधता, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। तमाम ऐसे देवस्थान जब उनके बारे में हम सुनते हैं, लोगों से अनुभव सुनते हैं उनके बारे में, तो अद्भुत लगता है, विश्वास जैसा नहीं होता है। ऐसी आध्यात्मिक थाती लिए उत्तराखंड में है। आज टिहरी लेक जो लगभग 42 स्क्वायर किलोमीटर में है, विलंगना और भागीरथी नदी पर, गंगा जी पर है, बहुत ही खूबसूरत ये झील है। तमाम ऐसे स्थान, ऐसे 13 न्यू डेस्टिनेशन, उस पर उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। आज हम आमंत्रित करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को, जिस तरह से कल GST की दरों में कमी आई है, कमी की गई है, कटौती की गई है, उसके कारण उत्तराखंड जो एक पर्यटक प्रदेश है वो और भी अच्छा मुफीद हुआ है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, और उससे राज्य में हमको उम्मीदें हैं कि इन्वेस्टर बढ़ेगा। मैं भी जो वर्ष चल रहा है, हमारे राज्य में जो पर्यटक लगभग 6 महीने में आता था, इस बार 5 महीने में वो कम, 4 महीने में वो पूरा, उससे अधिक संख्या हमारे यहाँ पर्यटकों की पहुँची है। और तमाम जो लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, होटल के व्यवसाय में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ये लगा कि हमको एक और होटल बना लेना चाहिए था। पर्यटकों की बढ़ती जो तादाद है वो आज होटल व्यवसायियों को आमंत्रित कर रही है। उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम है, कानून व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। जब से भारत सरकार ने थानों का मूल्यांकन किया, 2 वर्ष हुए हैं, दोनों वर्षों में उत्तराखंड के एक बार 2 थाने, एक बार 1 थाना, ये टॉप 10 में आया है। अपराध बहुत कम है, मानव संसाधन शांतिप्रिय है, वो सुख देने वाला है, और इसलिए पर्यटन व्यवसाय की दृष्टि से जो स्किल्ड लेबर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, NIT, IIM, IIT, CPET, ये तमाम संस्थान उत्तराखंड में हैं। फिल्म इंडस्ट्री भी उत्तराखंड की ओर आकृष्ट हुई है। पिछले 1.25 सालों में 200 से अधिक फिल्में उत्तराखंड में शूट की गई हैं। जब मैं पिछले वर्ष यहाँ पर आया था, मैं इंडस्ट्री के लोगों से मिला था, तो मैंने उनसे कहा कि आप उत्तराखंड आइए, आप दुनिया के देशों में जाते हैं, अपने देश के भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आकर आप फिल्मों का शूट कर सकते हैं, बहुत अच्छा वातावरण आपको मिलेगा, और हमारा आग्रह उन्होंने स्वीकार किया। 200 से अधिक फिल्में ये उत्तराखंड में शूट हुई हैं, और उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड भी उत्तराखंड को मिला है। इसी तरह से ऑर्गेनिक की दृष्टि, खेती की दृष्टि, जो फूड प्रोसेसिंग के लिए उत्तराखंड बहुत अनुकूल है, IIT के लिए बहुत अनुकूल है, बायोटेक्नोलॉजी उसके लिए बहुत अनुकूल है, और राज्य में लगभग 60,000 हेक्टेयर भूमि पर इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। एरोमा उत्तराखंड में एरोमा पार्क की हम स्थापना कर रहे हैं। तमाम वनस्पतियाँ, मैं एक रामायण काल की ओर आपको ले जाना चाहूँगा, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वैद्य सुसेन के पास गए, तो वैद्य सुसेन ने कहा कि आप संजीवनी बूटी जो हिमालय में है वो अगर ले ला सकते सुबह सूर्योदय से पहले, तो तभी लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। और हनुमान ने पूछा कि भाई कैसे, उसकी पहचान कैसे होगी, तो उन्होंने कहा एक अपने आप में अद्भुत वनस्पति है, चमकीली वनस्पति है, समझ लेना कि वही संजीवनी है। लेकिन जब हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे,
तो वहाँ देखा कि हर वनस्पति चमकीली है, हर वनस्पति में खुशबू है। हनुमान कन्फ्यूज्ड हो गए और उन्होंने पूरा पहाड़ी उठाकर और श्रीलंका की तरफ चल दिए। ये हमारे रामायण में एक कहानी आती है। मतलब ये है कि उत्तराखंड ये प्राकृतिक और जैव विविधता की दृष्टि से, वनस्पतियों की दृष्टि, मेडिसिनल प्लांट्स की दृष्टि से बहुत ही भरपूर है। जहाँ ये कहना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में जो जैव विविधता है वो विद्यमान है। 12,000 किस्म की जैव विविधता है, उसमें से 7,000 ये उत्तराखंड में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और इसलिए जो आयुष का क्षेत्र है, आयुर्वेद का क्षेत्र है, आज उत्तराखंड आज आमंत्रित कर रहा है आपको, इन्वेस्टर्स को। आप आइए, उत्तराखंड में आइए और अपने आप भी सुखी रहिए, औरों को भी सुख देने का काम ये उत्तराखंड कर सकता है। वो सामर्थ्य लिए आज उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तत्पर है। मैं आप सबका एक बार फिर आभार प्रकट करता हूँ। आयोजन परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Rawat, for a beautiful and a very riveting presentation of Uttarakhand. Uttarakhand is beautiful. And Mr. Rawat mentioned that about 200 films have been shot there. But the most famous one is Man vs. Wild, starring none other than the Prime Minister. So can we please invite Ms. Nandini Basu, General Manager of Corporate Communications of ITC Limited, to please present our honorable guest with a token of appreciation. A big round of applause for Mr. Rawat, who's come down all the way from Uttarakhand to Mumbai. Thank you very much, sir. We're going to take a quick 30-minute lunch break.